सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया का सिक्वल कब से शुरू हो सकता है? इस फिल्म का बजट कितना हो सकता है? क्या ये फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रिकॉर्ड तोड़ देगी? मैंने प्यार किया सलमान खान को क्यों बार बार याद आती है? इस फिल्म की लीड हीरोइन के लिए किससे संपर्क साधा जा रहा है? मैंने प्यार किया के सिक्वल की कहानी किस इराकी होगी? क्या ये फिल्म भारत में शूट होगी या भारत के बाहर इसकी कहानी का प्रसार किया जाएगा? मैंने प्यार किया के लिए किस किस हीरो को शॉर्टलिस्ट किया गया था? मैंने प्यार किया के लिए सलमान खान को कितना संघर्ष करना पड़ा? क्या वजह थी जो सलमान खान को साइन किया गया? वो कौन सा गाना है जिसको बनाने में 3 महीने का वक्त लगा? वो कौन सी फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान सलमान खान को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं दी गई थी? आजकल भाग्यश्री क्या कर रही हैं? सूरज बड़जातिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किस प्रकार से की थी? बड़े पर्दे के दबंग खान की कौन कौन सी फिल्में हैं जो आज तक रिलीज नहीं हो सकी हैं? वो कौन कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं जिनके गॉड फादर सलमान खान कहे जाते हैं? मैंने प्यार किया का सिक्वल कब रिलीज हो सकता है? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सितारे के बारे में जो सबका भाई जान है और फिल्मी दुनिया का सुल्तान। यही सुल्तान जब दहाड़ा तो लोगों ने कहा कि टाइगर आ गया। अब टाइगर का पुनर्जन्म होगा सिकंदर के रूप में, जो आजकल सबके चहेते हैं। जब से अली जफर की फिल्म भारत में सलमान खान ने मैंने प्यार किया वाली जैसी छवि दिखाने को तैयार हुए हैं, वहीं से खबरें गर्म होना शुरू हो गई थी कि क्या मैंने प्यार किया का सिक्वल बनेगा। सलमान खान जब भी किसी टीवी शो या रियलिटी शो में आते हैं तो मैंने प्यार किया का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि सलमान खान के अंदर एक कसक सी रह गई कि उस वक्त मैं एक नौसिखिया एक्टर था। इसीलिए सलमान खान मैंने प्यार किया से संतुष्ट नजर नहीं आते हैं, लेकिन सलमान खान को मैंने प्यार किया से खुशी जरूर मिलती है। इसीलिए सलमान खान चाहते हैं कि उस फिल्म का सिक्वल जरूर बनना चाहिए जो लोगों के मन में प्यार पैदा कर दे। जब चारों ओर नजर उठाकर देखते हैं तो लव जिहाद और प्यार की हत्या कर देने वाली खबर खूब सुनाई देती है। वैसे में सलमान खान का मानना है कि आज के दौर के लिए ये फिल्म बहुत प्रासंगिक होगी जो प्यार को परिभाषित करती है, मगर ये दौर तकनीकी का है तो तकनीकी दौर की प्रेम कहानी होनी चाहिए। मैंने प्यार किया में प्यार के संदेश को कबूतर के माध्यम से दिखाया गया था। आज के समय में इंस्टा, फेसबुक और लाइव वीडियो चैटिंग जैसी तकनीक उपलब्ध है, तो ऐसी तकनीकी के माध्यम से तकनीकी प्रेम की बारिश की जा सकती है। सलमान खान ने जब भी लवर बॉय की इमेज को पर्दे पर दिखाया है, उनका प्रस्तुतीकरण अलग अंदाज का होता है जिसमें हास्य की भरपूर मात्रा होती है, जिसे लोग देखना पसंद करते हैं। एक प्रकार से कहा जा सकता है सलमान खान की फिल्म टोटल सिनेमा होती है जिसमें सब कुछ होता है। मैंने प्यार किया बतौर लीड एक्टर सलमान खान के करियर की पहली फिल्म थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के ऑडिशन के लिए सलमान खान अपने एक दोस्त के कपड़े लेकर गए थे? सलमान ने अपने दोस्त का आधा वार्डरोब मैंने प्यार किया के ऑडिशन के लिए खाली कर दिया। आखिर कौन था सलमान का वो दोस्त? हम सलमान के जिन दोस्त की बात कर रहे हैं वे बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर बंटी वालिया हैं। सलमान खान को लेकर वे प्यार किया तो डरना क्या और हल्लो ब्रदर प्रोड्यूस कर चुके हैं। विश्व रूप घोष की बुक हॉल ऑफ फेम सलमान खान में बंटी के एक स्टेटमेंट को शामिल किया गया है। बुक में कहा गया है कि बंटी वालिया ऑडिशन के वक्त सलमान खान के साथ थे। उन्होंने सलमान खान की जिंदगी के कभी न भूलने वाले इस दिन का किस्सा बुक में बताया है। बंटी ने कहा, सलमान खान मेरे घर सुबह सुबह 6 बजे आ गया। उसने मेरा आधा वार्डरोब खाली कर अपनी कार में पटक लिया। सलमान का पूरा वार्डरोब पहले से ही वहाँ मौजूद, उसने पूरे दिन का इंतजाम कर लिया। मैं बहुत नर्वस था और मुझे इस बात का एहसास भी था कि ये सलमान के लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन वो हमेशा की तरह शांत और गुमसुम था। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान आज जरूर फिल्मों की सफलता की गारंटी बन गए हैं, लेकिन 1989 में रास रिप्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया में काम करने के लिए ना केवल उन्हें सख्त स्क्रीन टेस्ट से गुजरना पड़ा, बल्कि उस रोल के लिए अभिनेता कुणाल स्वामी और दीपक तिजोरी वाला को शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका था। पेंगुइन प्रकाशन की पुस्तक ऐसे क्यों है सलमान खान में कहा गया है कि सलमान खान की किस्मत का सितारा पहली बार 1989 में उस वक्त चमका जब बतौर हीरो उनकी फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई।
इस फिल्म की कामयाबी ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन ये फिल्म सलमान खान को काफी मशक्कत के बाद मिली और आज की स्थिति से परे उन्हें कठिन स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा था। इसमें बताया गया है राजश्री प्रोडक्शन में निर्माता निर्देशक तारा चंद बरजातिया के पोते सूरज बरजातिया उन दिनों अपनी पहली फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में लीड रोल के लिए उन्होंने कुणाल स्वामी और दीपक तिजोरी वाला का नाम शॉर्टलिस्ट किया था। लेखक जसीम खान पुस्तक में सलमान खान के हवाले से बताते हैं, मैं सूरज से मिलने नहीं जा रहा था, लेकिन हनी अंकल ने कहा जाओ मिल आओ। सूरज ने बताया कि उन्होंने दो नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। पुस्तक में बताया गया है कि मैंने प्यार किया के इस रोल के लिए सलमान की पहली सिफारिश सलीम खान के लेखन सहायक हनी गुप्ता ने की थी। इसके लिए दूसरी सिफारिश करने वाली मॉडल सबाना दत्ता थी, जिन्होंने उस फिल्म में उस रोल के लिए ऑडिशन दिया था, जिसे पर्दे पर बाद में भाग्यश्री ने निभाया। उनके लिए तीसरी सिफारिश भाग्यश्री के लिए पटकथा लिखने वाले लेखक कमर नकवी ने की थी। पुस्तक में कहा गया है कि इसके बावजूद सूरज बरजातिया ने उन्हें मुंबई के वर्ली में राजश्री फिल्म के बंगले पर बुलाया और पूरे दिन सलमान का स्क्रीन टेस्ट लिया गया। इसके बाद सूरज ने एक बार फिर सलमान और भाग्यश्री को एक सीन शूट करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया। दरअसल वे दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखना चाहते थे। बॉलीवुड फिल्मों का जब भी जिक्र होता है, सूरज बरजातिया की फिल्म मैंने प्यार किया का नाम जरूर आता है। 29 दिसंबर 1989 को मैंने प्यार किया फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मैंने प्यार किया फिल्म के रिलीज होने के बाद से युवाओं में इसको नए तरीके से देखना शुरू हो गया था। अभिनेत्री भाग्यश्री को इस फिल्म के लिए 1,00,000 रुपए फीस मिली थी, जबकि सलमान खान को सिर्फ 30,000 रुपए मिले थे। फिल्म में डायरेक्टर सूरज बरजातिया ने अंताक्षरी वाला सीन प्रयोग के तौर पर किया था। इस गाने को बनाने में लगभग 3 महीने लगे थे, जबकि गाना सिर्फ 10 मिनट का था। सूरज बरजातिया ने सलमान खान को उन दिनों लखानी के एड में देखकर फिल्म के लिए पसंद किया था। फिल्म की शूटिंग के वक्त भाग्यश्री की उम्र 18 साल की थी। इससे पहले भाग्यश्री सीरियल कच्ची धूप में देखी जाती थी। फिल्म में जो लड़के और लड़की वाली फ्रेंडशिप कैप है, वो सूरज बरजातिया की खुद की टोपी थी। सलमान खान की आवाज में दिक्कत की वजह से उनकी पहली फिल्म बीबी हो तो ऐसी में उनकी आवाज किसी और से डब कराई गई। लेकिन मैंने प्यार किया में सूरज बरजातिया ने सलमान की आवाज डब नहीं कराई थी। सलमान की आवाज फिल्म रिलीज के बाद से पूरी आवाज एक अलग तरह की स्टाइल बन गई थी। फराज खान के बेटे यूसुफ खान को पहले इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन काफी बीमार हो जाने के चलते प्रेम का रोल सलमान को मिला। मैंने प्यार किया इंग्लिश में When Love Calls के नाम से डब की गई, जो कि कैरिबियन मार्केट में बहुत हिट हुई थी। इस फिल्म को ते आमो के नाम से स्पेनिश में डब किया गया था। 1990 के 35वें फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म को 13 नॉमिनेशंस में से 7 अवार्ड मिले थे, जिनमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मेल डेब्यू, बेस्ट फीमेल डेब्यू, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर शामिल थे। फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाने वाले मोनिश बहल की मां नूतन नहीं चाहती थी कि उनका बेटा नेगेटिव किरदार में दिखे, लेकिन बरजातिया फैमिली से उनके अच्छे से रिश्ते थे। सूरज बरजातिया ने नूतन को ये भरोसा दिलाया कि मोनिश के किरदार को लोग सालों तक याद रखेंगे। उदास होना, यूं अकेले में रोना इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी ही। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। आजकल दरवाजे को लॉक करके रखने का भी जमाना नहीं रहा यार। फिल्म के कई गाने जैसे मेरे रंग में रंगने वाली, मैंने प्यार किया, कबूतर जा जा, आजा शाम होने आई, दिल दीवाना और आया मौसम दोस्ती का काफी लोकप्रिय हुआ। इन गानों को सुर सामग्री लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म से सलमान खान को प्रेम का टाइटल मिला, जो उन्हें काफी आगे तक लेकर गया। फिल्म का डायलॉग एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं बन सकते काफी फेमस हुआ। भले इस फिल्म में सलमान खान की कोई बॉडी नहीं, लेकिन दर्शकों को उनका बेहिंतहा प्यार नसीब हुआ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई और सलमान खान इस फिल्म से एक्टर से स्टार बन गए। इसके साथ यहीं से उनके और सूरज बरजातिया के बीच का रिश्ता मजबूत होता चला गया। इसके बाद सलमान खान ने सूरज की कई फिल्में जैसे हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और प्रेम रतन धन पायो में काम किया और ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। डिटेल दे, जहां वर्ष 1994 के अंत में रिलीज हुई, वही मैंने प्यार किया साल 1989
2009 के दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हम में से जिसने भी अपना बचपन यूं कहें टीनेज 1990 के पहले 5 साल में शेयर किया है, वो अपने आप को पूरी तरह इस फिल्म से जोड़कर देख सकता। फिर चाहे वो दिल्ली या मुंबई का रहने वाला हो, लखनऊ, पटना या रांची जैसे छोटे शहरों का हो, या फिर समस्तीपुर या इलाहाबाद में बसे किसी कस्बे या गाँव का बसिंदा हो। ये वो दौर था जब स्कूलों में को एजुकेशन को इन सभी इलाकों में बसने वाले मध्य वर्गीय परिवारों में स्वीकार किया जाने लगा था। सलमान की फिल्मों की बात करें तो उनके किरदार में प्रेम नाम काफी चर्चा में रहा। हाल ही में आई फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी उनका नाम प्रेम। खास बात यह है कि सलमान खान की 67 फिल्मों में से 15 फिल्मों में उनका नाम प्रेम। आज हम आपको सलमान खान की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिनमें उनका नाम प्रेम रहा है। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, दीवाना मस्ताना, जुड़वा, बीबी नंबर वन, सिर्फ तुम, कहीं प्यार ना हो जाए, चल मेरे भाई, नो एंट्री, पार्टनर, मैरी गोल्ड, रेडी, प्रेम रतन धन पायो। सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया के लिए दिया गया उनका ऑडिशन वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। 2 करोड़ रुपए के बजट वाली इस फिल्म ने लगभग 28 करोड़ रुपए का कारोबार किया। म्यूजिक फिल्म का म्यूजिक भी खूब पसंद किया गया था और सलमान खान के साथ लीड रोल में भाग्यश्री थी। इस फिल्म की कहानी इस प्रकार। करण यानी कि अलोक नाथ एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता है, जिसकी इकलौती बेटी सुमन यानी कि भाग्यश्री रहती। वो अपनी बेटी की शादी के लिए और पैसे कमाने दुबई जाने की सोचता है। वो अपनी बेटी को अपने दोस्त किशन यानी कि राजीव वर्मा के घर छोड़ देता है। सुमन और किशन के बेटे प्रेम की दोस्ती हो जाती, यानी प्रेम सलमान खान। सुमन को प्रेम एक कार्यक्रम में ले जाता है जिसे सीमा यानी कि परवीन दस्तूर ने बनवाया रहता। वहाँ रंजीत का बेटा जीवन यानी कि मोहनीश भाल सुमन और प्रेम की दोस्ती को गलत बोलता है। सुमन वहाँ से चली जाती। उसके बाद दोनों को पता लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कौशल्या को उन दोनों के प्यार के बारे में पता चलता और वो उसे बहू के रूप में मान भी लेती, लेकिन किशन इससे खुश नहीं होता और सुमन को घर से जाने के लिए कहता। इसी दौरान दुबई से लौटकर करण वहाँ आता। उसे जब इस बात का पता चलता है तो उसका किशन से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद वो सुमन को लेकर अपने गाँव लौट जाता। प्रेम को अलग होना ठीक नहीं लगता है और वो भी सुमन के गाँव चला जाता। करण जो किशन के ऊपर क्रोधित रहता है, वो कहता है यदि वो खुद पैसे कमा कर खा सकता है तो ही वो उसकी शादी सुमन से कराएगा। उसके बाद प्रेम ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता है और मजदूरी भी करता है। महीने के अंत तक उसके बाद जरूरत के हिसाब से पैसे हो जाते। जब वो करण के घर जाने लगता है तो बीच रास्ते में उसे गुंडे मिल जाते और उसे मारने की कोशिश करते। वो बच जाता है लेकिन उसका सारा पैसा भीग जाता है। करण उसके द्वारा भीगा हुआ पैसा लाने को बेकार बता देता, क्योंकि भीगा हुआ पैसा कुछ काम का नहीं है। लेकिन उसकी मेहनत से करण का दिल पिघल जाता है और वो दोनों की शादी के लिए मान जाता है। रंजीत को ऐसा लगता है कि जीवन ने प्रेम को मार दिया होगा। वो किशन के पास जाकर बोलता है कि करण ने प्रेम को मार दिया। किशन जब करण के गांव जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रेम सही सलामत। उसके बाद जीवन और रंजीत के गुंडे सुमन को ले जाते, लेकिन करण, किशन और प्रेम मिलकर रंजीत और बाकियों को हरा कर सुमन को बचा लेते। इस घटना के बाद करण और किशन फिर से दोस्त बन जाते हैं। वह प्रेम और सुमन की शादी हो जाती। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इस देश के सबसे जाने माने सेलिब्रिटी। उनके पास सब कुछ है, नाम, शोहरत, पैसा और एक अच्छा परिवार भी। फिल्म इंडस्ट्री में वो राज कर रहे हैं। वो जिस भी फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं वो फिल्म आराम से 300 करोड़ तक की कमाई कर लेती है। मैंने प्यार किया कि सिक्वल का बजट करीब 300 करोड़ हो सकता है, जिसकी सिर्फ अफवाहें हैं। अभी कोई ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की गई। सूरज बरजातिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किस प्रकार से की थी, बड़े पर्दे के दबंग खान की कौन कौन सी फिल्में हैं जो आज तक रिलीज नहीं हो सकी हैं, वो कौन कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं जिनके गॉडफादर सलमान खान कहे जाते हैं, मैंने प्यार किया का सिक्वल कब रिलीज हो सकता है, आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के दूसरे पार्ट की कहानी भी परिवार पर बेस होगी, क्योंकि सलमान खान ने अभी तक ज्यादातर परिवार के इमोशन पर बेस फिल्में करते आए हैं। उनकी सभी फिल्मों को परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। सलमान ने अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा परिवार के महत्व को दिखाने की पूरी कोशिश की, इसीलिए सलमान खान को भाई जान कहा जाता है। इस फिल्म में परिवार के उस पड़ाव की बात की जाएगी जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते। परिवार की बुनियाद रिश्तों पर निर्भर करती है। इन्हीं रिश्तों में जो मिठास होती है उसी पर परिवार का भविष्य निर्भर करता। लेकिन फिल्म सिर्फ परिवार पर ही केंद्रित ना होकर प्रेम की प्रकाष्ठा को उजागर करेगी। आजकल का मल्टीमीडिया वाला प्यार दिखाया जाएगा इसमें। ये मल्टीमीडिया लव कैसा हो सकता है, ये तो फिल्म जब बनकर रिलीज होगी तभी पता चलेगा। मैंने प्यार किया 2 को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से क्यों जोड़ा जा रहा, DDLG से मैंने प्यार किया 2 को इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि DDLG ही पहली फिल्म है जिसने हमारे देश की फिल्मों को इंटरनेशनल मार्केट में एक मुकाम पर बैठा दिया है। 22 सालों से मराठा
विशाखा मंदिर में चल रही है DDLJ। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित DDLJ 1995 में रिलीज हुई और तभी से इस फिल्म का मैटनी शो यहाँ चलाया जाता है और जिसमें खासी भीड़ होती है। DDLJ फिल्म में शाहरुख और काजोल का रोमांटिक गाना हो गया है तुझको तो प्यार सजना किसी रेगिस्तान में शूट किया जाता तो शायद आप राज और सिवरन की जोड़ी के इस कदर दीवाने न होते। DDLJ एक रिकॉर्ड तोड़ और ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने कई कलाकारों को एक नई पहचान दी है। ये वही फिल्म है जिसने शाहरुख खान को एक सुपरस्टार की ओर एक रास्ता दिखाया था। आज भी DDLJ और मैंने प्यार किया फिल्म किसी टीवी पर आती है तो लोग देखने के लिए बैठ जाते हैं। DDLJ अपने लोकेशन के कारण जानी जाती है, तभी तो कुछ लड़कियां तो अपने पार्टनर के साथ स्विट्जरलैंड सिर्फ इसलिए जाना चाहती हैं क्योंकि DDLJ की शूटिंग की जगह पर राज सिमरन की तरह फोटो क्लिक कराने का क्रेज होता है। तुझे देखा तो जाना सनम जिन पीली सरसों के खेतों में शूट किया गया था वो सरसों गुड़गांव में है। शाहरुख ने जो लेदर की जैकेट पहनी है वो $400 की हॉरर डेविनसर शोरूम से ली गई थी जिसे कैलिफोर्निया के बेकर्स फील्ड से खरीदा गया था। वो शोरूम कैलिफोर्निया के बेकर्स फील्ड में स्थित है। सुपरस्टार सलमान खान को शाहरुख खान की फिल्म DDLJ बहुत पसंद आई थी, लिहाजा जब पूरी बॉलीवुड नगरी कह रही थी कि ये फिल्म शाहरुख के करियर को खत्म कर देगी तब सलमान ने कहा था DDLJ इतिहास रचेगी। सलमान ने DDLJ देखकर कहा था कि ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित होगी और ये मैंने प्यार किया से भी ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। सलमान का कहा सच साबित हुआ और DDLJ ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और भारतीय सिनेमा के 1000 हफ्ते पूरे करने वाली इकलौती फिल्म बन गई। शाहरुख ने बताया कि DDLJ से पहले वो डर और बाजीगर जैसी फिल्में कर चुके थे जिसके बाद उनकी छवि निगेटिव हीरो वाली बन गई। लिहाजा जब आदित्य चोपड़ा ने उन्हें DDLJ की कहानी सुनाई तो शाहरुख खुद भी इसके लिए राजी नहीं हुए थे। मैंने प्यार किया 2 DDLJ का रिकॉर्ड किस प्रकार से तोड़ देगी? DDLJ अब सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि इतिहास है, लेकिन सलमान खान अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं है बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री बन गए हैं। आज के दौर में सलमान खान की जो बॉक्स ऑफिस पर पकड़ है वो किसी दूसरे सुपरस्टार में दिखाई नहीं देती, इसीलिए तो सलमान खान को आने वाले समय का राजेश खन्ना कहा जाता है। अगर मैंने प्यार किया 2 बनता है तो निश्चित रूप से एक बार फिर से इतिहास लिखा जाएगा और ये उम्मीद सभी को है क्योंकि सलमान के स्टारडम के सामने अभी तो कोई और एक्टर दूर तक दिखाई नहीं देता है। लोगों का मानना है कि सलमान की ये पहली फिल्म होगी जो 2000 करोड़ के क्लब को भी पार कर जाएगी। आजकल सलमान खान के लिए 2000 करोड़ का क्लब छूना बहुत ही आसान है। मैंने प्यार किया फिल्म की कहानी बहुत खूबसूरत है, इसलिए लोग इसके सिक्वल की बात कर रहे हैं, चाहे वो राजश्री प्रोडक्शन वाले हों या सलमान खान। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान आज भले ही बड़े पर्दे के दबंग खान हो लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1998 में आई फिल्म बीबी हो तो ऐसी से बतौर सपोर्टिंग एक्टर से की थी। अपने इतने सालों के फिल्मी सफर में सलमान ने बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जो बड़े पर्दे पर धमाल मचा सकती थी लेकिन उनमें से कुछ फिल्में तो रिलीज भी नहीं हो पाई। आइए जानते हैं उनकी ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जो रिलीज नहीं हो पाई। आंख मिचौली डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्म जुड़वा 2 के बाद अनीस बज्मी सलमान खान को लेकर एक और डबल रोल वाली कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे। अनीस ने सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम करने के लिए 7 साल लंबा इंतजार किया लेकिन उनका ये सपना पूरा हो न सका। राजू राजा राम 2007 में आई फिल्म पार्टनर के बाद डेविड धवन सलमान खान और गोविंदा को लेकर राजू राजा राम नाम की फिल्म बनाना चाहते थे और उनके साथ जैकी श्रॉफ भी जुड़ने वाले थे लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म पर्दे पर ना आ सकी। चोरी मेरा नाम सलमान खान की ये बड़े बजट की क्राइम थ्रिलर फिल्म काफी चर्चाओं में रही थी। इस फिल्म में सलमान खान के साथ सुनील शेट्टी शिल्पा शेट्टी और काजोल नजर आने वाली थी। अगर ये चारों एक्टर एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर आते तो जरूर पर्दे पर छा जाते लेकिन ये फिल्म भी नहीं बन पाई। राम सलमान खान के साथ उनके भाई सुहेल खान ने कई फिल्में प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर डायरेक्ट कर चुके हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के बाद एक बार फिर सलमान खान और अरबाज खान फिल्म ए मेरे दोस्त में साथ नजर आने वाले लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस दिव्या भारती और करिश्मा कपूर लीड रोल में नजर आने वाली थी। घेराव राजकुमार संतोषी के साथ काम करने से पहले सलमान खान ने 2 बॉलीवुड फिल्में साइन की लेकिन मुहूर्त के तुरंत बाद शूटिंग के फर्स्ट शेड्यूल से पहले ही सलमान खान की फिल्म घेराव का डब्बा पैक हो गया। बुलंद इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग खत्म होने के बाद भारी नुकसान होने की आशंका के चलते डायरेक्टर ने इसे बंद कर दिया। इस फिल्म में सलमान की रियल गर्लफ्रेंड सोमी अली लीड हीरोइन का किरदार निभाने वाली थी। इस समय इन दोनों के अफेयर के बारे में कोई बात नहीं करता।
बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान ने इस इंडस्ट्री में कई लोगों को सपोर्ट किया है। सलमान ने कई सितारों के डूबते करियर को बचाया है। वहीं कई लोगों को बॉलीवुड में सलमान खान ने जगह दिलाई है। इनमें से कई बड़ी अभिनेत्रियों के नाम शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं ऐसी बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बारे में जिनका करियर सलमान खान की वजह से संवरा है, या फिर हम सलमान को उनका गॉडफादर भी कह सकते हैं। सलमान और कैटरीना कैफ की कहानी तो बॉलीवुड में काफी फेमस है। कैटरीना ने वैसे तो बॉलीवुड में काफी फिल्में की हैं, लेकिन उनको अपने करियर का सबसे बड़ा पहला ब्रेक सलमान खान ने ही दिया। सलमान ने कैटरीना को वर्ष 2005 में आई फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में लिया था। इसके बाद भी सलमान ने कैटरीना को कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम दिलाया। एक समय कैटरीना सलमान से दूर हो गई और कैटरीना की फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई। जब कैटरीना वापस सलमान के पास लौटी तो सलमान ने फिर से उनका करियर संवारने में मदद और उन्हें फिल्म टाइगर जिंदा में लीड रोल दिलाया और कैटरीना फिर सुर्खियों में आ गई। ऐश्वर्या राय। सलमान और ऐश्वर्या के प्यार किस्से बॉलीवुड में काफी मशहूर। ऐश्वर्या को फिल्म हम दिल दे चुके सनम से पहचान मिली। इस फिल्म में ऐश्वर्या को सलमान के कहने से ही लिया गया था। इसके अलावा भी सलमान ने ऐश्वर्या को कई बड़ी फिल्में दिलाकर उनका करियर संवारने में मदद की। डेजी शाह। सभी जानते हैं कि अभिनेत्री बनने से पहले डेजी शाह एक डांसर थी। सलमान ने डेजी शाह को बॉलीवुड डेब्यू में मदद की और उन्हें अपनी फिल्म जय हो में लीड रोल दिया। इसके अलावा डेजी शाह ने साल 2003 में आई तेरे नाम के दौरान सलमान खान के साथ काम किया है। बता दें कि इस फिल्म में डेजी शाह लगन लगी गाने पर डांस किया था। इसके अलावा डेजी शाह ने फिल्म हेट स्टोरी 3 में सलमान खान के कहने पर भी की थी। अब वो सलमान खान की रेस 3 में भी है। जरीन खान। अभिनेत्री जरीन खान को भी बॉलीवुड में जगह दिलाने का श्रेय सलमान खान को ही जाता है। सभी जानते हैं कि जरीन ने अपने करियर की शुरुआत सलमान की फिल्म वीर से की थी। बाद में जरीन ने हाउसफुल 2 की और इनके करियर में थोड़ी गति आई। डेजी की तरह ही जरीन ने भी फिल्म हेट स्टोरी 3 सलमान के कहने पर की थी। जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन के डूबते करियर को भी सलमान ने ही संवारा है। जैकलिन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म मर्डर 2 से की थी। 2013 में फिल्म रेस 2 के बाद जैकलिन का करियर डूब रहा था। इंडस्ट्री में उन्हें काम मिलना कम हो गया। खुद जैकलिन कह चुकी हैं कि वो बहुत ही कठोर समय था। काफी कोशिश करने के बाद भी जब काम नहीं मिला तो ऐसे में सलमान ने उनका हाथ थामा और अपनी फिल्म किक में जैकलिन को काम दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और जैकलिन का डगमगाते करियर ने फिर से गति पकड़ ली और अब जैकलिन रेस 3 की लीड हीरोइन है। सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपने अभिनय की शुरुआत सलमान खान के साथ दबंग से की थी। सलमान के साथ काम करने के बाद सोनाक्षी को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सोनाक्षी ने दबंग 2 में भी काम किया है। सलमान के कहने पर सोनाक्षी को कई फिल्में मिली। अब सोनाक्षी दबंग 3 में भी नजर आएंगी। बॉलीवुड के गलियारों में सलमान खान और ऐश्वर्या के रोमांस के किस्से काफी चर्चित। सलमान खान भी ऐश्वर्या को लेकर काफी सीरियस। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान दोनों के बीच दूरियां हो गई। इसके बाद दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि अब ये एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की तरफ ढंग से देखते भी नहीं। लेकिन ऐसा क्या हो गया था जो इतना प्यार होते हुए भी दोनों के बीच दूरियां हो गई। मीडिया में इस तरह की खबरें आई हैं कि ऐश्वर्या ने सलमान के लिए अपने माता पिता का घर तक छोड़ दिया। बताया जाता है कि सलमान के स्वभाव के कारण ऐश्वर्या ने उनसे दूरी बना ली। वर्ष 2002 में दोनों के बीच की लड़ाई खुलकर सामने आई और दोनों ने एक दूसरे पर खुलकर इल्जाम लगाए। बताया जाता है कि सलमान और ऐश्वर्या के बीच नजदीकियां फिल्म हम दिल के सनम के दौरान बढ़ी। यहां तक कि दोनों की शादी की खबरें भी सामने आने लगी। भाग्यश्री ने अपनी डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया से इतनी शोहरत बटोरी कि आज भी बॉलीवुड में उनका जिक्र होता है। इस फिल्म में वह आज के सुपरस्टार सलमान खान के साथ नजर आई। फिल्म मैंने प्यार किया में भाग्यश्री के अभिनय को खूब सराहा गया। भाग्यश्री 23 फरवरी 1969 को जन्मी थी। वे रॉयल मराठी परिवार से हैं। भाग्यश्री का पूरा नाम है भाग्यश्री पटवर्धन। हिट फिल्म मैंने प्यार किया के लिए भाग्यश्री को 1,00,000 रुपए फीस मिली, जबकि सलमान खान को सिर्फ 30,000 रुपए दिए गए। फिल्म मैंने प्यार किया की शूटिंग के वक्त भाग्यश्री की उम्र 18 साल की। फिल्म के लिए जब भाग्यश्री को साइन किया गया तब सलमान खान ने सूरज बरजातिया को कहा था कि भाग्यश्री मेरी बहन जैसी नजर आती है, लेकिन सूरज ने कहा नहीं, इस रोल के लिए भाग्यश्री बिल्कुल सही है। भाग्यश्री वकील बनना चाहती थी, लेकिन भारत में लॉ सिस्टम से निराश होकर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और उनके पिता भी नहीं चाहते थे कि वो लॉ की पढ़ाई करे। भाग्यश्री ने अपने पति हिमालय के साथ करीब 3 फिल्में की है। कैद में है बुलबुल, त्यागी और पायल में काम किया, लेकिन ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। शादी के बाद उन्होंने सिर्फ 3 फिल्में की और करियर को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सूरज बरजातिया ने इंडस्ट्री को कई सुपरहिट पारिवारिक फिल्में दी है। सूरज बरजातिया ही वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने सलमान खान को सुपरस्टार बना दिया। सलमान खान ने मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों का निर्देशन सूरज बरजातिया ने किया। साथ ही सलमान ने प्रेम रतन धन पायो में भी काम किया। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। ये फिल्म भी राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। राजश्री प्रोडक्शन को पारिवारिक फिल्मों के लिए जाना जाता है।
सूरज बरजातिया का जन्म 22 फरवरी 1964 को मुंबई में हुआ था। सूरज ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सारान से असिस्टेंट के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया। सलमान खान को सही मायने में सूरज बरजातिया ने ही इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। सलमान खान फिल्म मैंने प्यार किया से काफी फेमस हो गए थे। इसके बाद सलमान ने हम आपके हैं कौन से इंडस्ट्री में एक नया मुकाम पाया। इन फिल्मों का निर्देशन सूरज बरजातिया ने ही किया। इन फिल्मों से ही सलमान खान को एक रोमांटिक हीरो के रूप में देखा जाने लगा। एक इंटरव्यू में सूरज बरजातिया ने अपने बचपन के एक किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि वे शुरुआत में पढ़ाई में कमजोर थे और जैसे तैसे पास हो जाया करते थे। उन्होंने बताया था जब वो 10वीं कक्षा में थे तो उनके बहुत कम नंबर आए। उनके पिता को एडमिशन के लिए HR कॉलेज में साथ जाना पड़ा। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल ने सूरज बरजातिया के पिता को काफी खरी खोटी सुनाई। सूरज बरजातिया के पिता ये सब चुपचाप सुनते रहे। पिता के बेइज्जती देखने के बाद उन्होंने आगे मन से पढ़ाई की और हमेशा फर्स्ट आए। मैंने प्यार किया कि सिक्वल का बजट करीब 300 करोड़ हो सकता है, जिसकी सिर्फ अफवाहें हैं। अभी कोई ऑफिशियल सूचना जारी नहीं की गई है। भारत फिल्म के बाद इस फिल्म पर काम करने की अफवाहें आ रही, क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन को भी एक जबरदस्त सुपरहिट फिल्म की तलाश है। इस फिल्म की लीड हीरोइन के लिए भाग्यश्री की बेटी, जो कि बड़ी हो गई है, आजकल सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। उनके बारे में खबरें आ रही हैं। नहीं तो शायद जानवी कपूर को भी साइन किया जा सकता है, जो कि सलमान खान की काफी करीबी बताई जाती है। इस फिल्म की कहानी आज के दौर की होगी। इस फिल्म की शूटिंग सिर्फ भारत में होगी, जैसा कि अक्सर इस प्रोडक्शन की फिल्मों का होता है। बहुत कम फिल्में हैं जो विदेश में शूट की गई। राजश्री प्रोडक्शन की ज्यादातर फिल्में भारत में ही शूट होती हैं। भाग्यश्री आजकल विदेशों में डांस एकेडमी चला रही है और वो काफी फिट दिखती है और सोशल मीडिया पर उनकी अक्सर तस्वीरें आया करती हैं। इस फिल्म का सिक्वल 2020 में आने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि मैंने प्यार किया का सिक्वल बनना चाहिए कि नहीं।